नेक नियति से और अच्छी कैफियत के साथ करता है। इखलास, नेक नियति और अच्छे कैफियत से जब अल्लाह के जिक्र करता है तो उसका रुख खतीरतुल कुदस में हो जाते हैं, उसका रुख खतीरतुल कुदस की तरफ हो जाता है, फिर उसका ताल्लुक। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. इसका कोई हद नहीं है, गैर महदूद है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला की कसरत से याद करो, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो। एक और रवायत में आता है कि अल्लाह ताला को इस कदर कसरत से याद करो कि जिक्र इलाही में इतनी कि जिक्र इलाही में इतनी तुम फला पा जाओ। गरज अल्लाह की जिक्र से, कसरत से अल्लाह के जिक्र को करते रहो, क्योंकि इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। जब अल्लाह की जिक्र करोगे तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम शाह उलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत के मुताबिक जब कोई शख्स अल्लाह ताला का जिक्र, इखलास और नेक नियति से और अच्छी कैफियत के साथ करता है, इखलास, नेक नियति और अच्छे कैफियत से जब अल्लाह के जिक्र करता है तो उसका रुख खतीरतुल कुदस में हो जाते हैं, उसका रुख खतीरतुल कुदस की तरफ हो जाता है, फिर उसका ताल्लुक रूह आजम की तरफ होता है। खतीरतुल कुदस बनिए नो इंसान की दुनिया के अंदर जो रूह है, ये छोटे छोटे रूह है और उसकी आजा और जवारे में एक बड़ा रूह है। जब वो अल्लाह की जिक्र करता है तो उसकी रूह, उसका ताल्लुक खतीरतुल कुदस से हो जाती है, उसकी रूह खतीरतुल कुदस से हो जाती है और खतीरतुल कुदस बहुत बड़ी रूह है, उस रूह की जानब होती है। जब उस रूह की जानब होती है ना, उसकी रूह जो है ना, उस रूह की जानब होते हैं तो उससे, उस जिक्र इलाही से अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्ब हासिल होती है। जिसको अल्लाह ताला की कुर्ब हासिल होगा तो अल्लाह की तजल्ली आजम भी उसको हासिल होगा, और जिसको अल्लाह की तजल्ली आजम हासिल होगा उसको कुर्ब इलाही भी हासिल होगा। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि भाई जब कलब, नफ्स और जिस्म और रूह को किसी किस्म की नजासत, किसी किस्म की नजासत होगी तो उसको कुर्ब इलाही नसीब नहीं होगी। जब रूह, जिस्म, कलब तमाम नजासत से पाक होगी तो कुर्ब इलाही उसको नसीब होगा, वरना कुर्ब इलाही उसको नसीब नहीं होगा। ये मिल्लत इब्राहिमी का एक अहम उसूल है और पहले नंबर उसूल है ये, जिससे इंसान की तहजीब नसीब होती है, इंसान की तहजीब नसीब होती है। फरमाया कि फज़कुरूनी अज़्कुरुकुम, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें भी याद रखूंगा अपने जी में। जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें अपने जी में याद रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हें अपने जी में याद रखे तो उसके लिए कितनी बड़ी और रुतबा वाली बात होगा। जो शख्स अल्लाह जल्ले शानहू अपने जी में याद करने, उसकी अजमत, उसकी फौकियत किस कदर काबिल रिश्क होगी उसके लिए, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो मुझे याद रखे कि मैं उसको अपने जी में याद रखूंगा। फिर फरमाया जब कोई शख्स मुझे किसी मजमा में जिक्र करेगा तो मैं उसको इससे बेहतरीन मजमा में जिक्र करूंगा। जब कोई शख्स मुझ पर चल कर आएगा तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाऊंगा। जब मेरे बंदा, कोई शख्स मुझे एक मरतबा मुझे पुकारेगा, मैं उसकी पुकार की 100 मरतबा जवाब दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माद बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अय माद, जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज के बाद तुम लाजमन ये दुआ कर लिया करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी जिक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादती। अय अल्लाह, तेरे जिक्र की और तेरे शुक्र की और तेरी इबादत की मुझे तौफीक अता फरमा।